करता हूँ आप सभी को और स्वागत करता हूँ अपने चैनल रमन इंडियन में। दोस्तों, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ अपने सभी वेटिंग भाइयों से, वेटिंग लिस्ट के दोस्तों से जो अभी पटना में प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि काश मैं भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो पाता। मेरे साथ कुछ ऐसे कंडीशन लग गए हैं दोस्तों कि मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि मेरे पैरों के ऊपर एक बालतोड़ हो गया है, जिसके कारण से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर का कहना है कि उसे चीरना ही पड़ेगा। यही सब बातें हैं दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाया। मैं पिछले वीडियो में मैंने वेटिंग लिस्ट को लेकर चर्चा किया था, तो बहुत सारे मित्रों ने मुझे कमेंट लिख के भेजे कि आप आए नहीं और वीडियो आपने बना डाला। बहुत सारी बातें हैं, किसी ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, फिर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा दोस्तों। लेकिन हाँ, शर्मिंदा तो मैं हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आपके सहयोग में शामिल नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, मैं शामिल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं नहीं जा पाया तो क्या हुआ, मैं यहाँ बैठकर सभी को मोटिवेट तो कर रहा हूँ वहाँ पहुँचने के लिए। मुझे सिलीगुड़ी से एक लड़का का फ़ोन आया, सिलीगुड़ी से, और एक अजमेर से फ़ोन आया है। मैं उसे अपना नंबर भी दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में उसे मैं शामिल किया हूँ। वो लोग पटना आने वाले हैं, उनका कहना है कि मैंने आपका वीडियो देखा, मैं पटना आ रहा हूँ, मैं भी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता हूँ। दोस्तों, इन्हीं सब बातों लेकर आज मुझे वीडियो बनाना पड़ा। अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं अवश्य आप लोगों के साथ शामिल होता। दोस्तों, 4 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आज 12-13 तारीख होने चला है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, बस दिलासा ही दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक बार सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि हम लोग आपस में मीटिंग करके ये निर्णय ले लें कि अब बहुत हो चुका प्रोटेस्ट, बहुत हो चुका आदर सम्मान, अब हम लोग कोर्ट की तरफ रुख करें, क्योंकि वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो हम लोगों को न्याय मिलेगा और हम लोग अपने ज्वाइनिंग ले पाएंगे। हमारे पटना में जितने मित्र भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक ही लोगो है, एक ही मोटिव है, अर्थी दो या ज्वाइनिंग दो। बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात का सम्मान करता हूँ, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। मुझे अर्थी चाहिए या तो ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हमने भी दिन रात करके पढ़ाई की, 5-5 एग्ज़ाम हम लोग निकाले, CBT 1, CBT 2, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा कुछ। एक मध्यम वर्ग का परिवार का एक लड़का इतने दूर दूर तक जाके एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, अच्छे नंबर भी लाता है, उसके बावजूद वो वेटिंग में चला जाता है। इस वेटिंग शब्द जो हमारे नामों के साथ जुड़ गया है, इससे कितनी कठिनाई होती है ये हम आप सभी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार नम्र निवेदन करता हूँ कि जितने भी भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप लोग प्रोटेस्ट में ज़रूर शामिल हो। मैं बड़े भाई विक्रम जी से यह कहना चाहता हूँ कि भाई, मैं तो नहीं आ पाया, प्लीज़ इस बात की मुझे भी बहुत शर्मिंदगी है जो मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाया, आपसे मिलने का मौका नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपसे मिलूंगा ज़रूर, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेरणा भी लेता हूं। आप इस आंदोलन की, इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि ये प्रोटेस्ट सफल हो, सक्सेस हो और हम सभी को न्याय मिले। दोस्तों, एक वेटिंग का दर्द क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। एक वेटिंग शब्द जो हम लोगों के नाम के पहले लग चुका है, ये वेटिंग शब्द बहुत हम लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। अंदर ही अंदर हम लोग एक ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जो एक नासूर बनते जा रहा है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि समाज में, फैमिली में, भाई बहन, दोस्त यार, सब जगह हम लोग एक मजाक बनकर रह चुके हैं। कहीं भी निकलो, कहीं भी जाओ, सभी एक ही बात पूछते हैं, क्यों भाई, कितने दिन में क्लियर होगा, क्या हो रहा है तुम लोगों का, तुम लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो। ये सब बातें हम लोगों को सुनना पड़ रहा है दोस्तों।
और आप लोगों को भी इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि वेटिंग का दर्द क्या होता है वो हम लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रोटेस्ट में ज़रूर शामिल हों, ये अपने हक की लड़ाई है, हम शामिल नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा दोस्तों। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना आएँ, प्रोटेस्ट में शामिल हों, और वहाँ से हम लोग निर्णय करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों हमारे जितने भी वेटिंग भाई अभी प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो सभी भूखे प्यासे गर्मी में, धूप में, बरसात में दिन रात लगे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या आखिर मनसूबा है इस सरकार का, क्यों ऐसा कर रही है हम लोगों के साथ, पता नहीं। दोस्तों अभी पूरे इंडिया में 2.5 लाख से ऊपर की सीट वैकेंट है, लेकिन फिर भी हम लोगों को वेटिंग क्लियर नहीं किया जा रहा है। कुछ गिने चुने बच्चे ही वेटिंग में फंसे हुए हैं। उन वेटिंग वालों का बहुत सारे ऐसे वेटिंग हमारे मित्रों हैं जिनका अभी तक शादी ब्याह नहीं हो पाया, उसके चलते कितनों का शादी टूट गया, कितनों का परेशानी बढ़ता जा रहा है, आधी जवानी निकल चुकी है पढ़ाई करने में, आखिर कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे दोस्तों। इसलिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पटना आएँ, वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हों, क्योंकि इस बाहरी सरकार को सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ की, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। हम लोग मिलकर आवाज़ लगाएंगे तभी इस सरकार के कानों तक आवाज़ जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पटना आएँ और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रमन कुमार आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, नया अपडेट आप लोगों को देता रहूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूं सभी वेटिंग भाइयों से कि आप लोग निराश ना हो, निराशा से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों ये हमारे हक की लड़ाई है, हमें मिलकर लड़नी होगी। आप लोग निराश ना हो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों, वेटिंग क्लियर तो होना ही है। हम लोग मिल के लड़ेंगे तो वेटिंग क्लियर तो कर ही लेंगे, वेटिंग के सरकार को क्लियर करनी ही होगी। बस दोस्तों आप लोग निराश ना होइए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। सबसे पहले आप अपने माँ बाप को देखें, अपने भाई बहनों को देखें दोस्तों, उनकी क्या उम्मीदें हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है कि वेटिंग क्लियर नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी तो जी ही लेंगे दोस्तों। बस एक है कि एक हम सबको मिलकर एक एफर्ट लगाना है, एक दम लगाना है, एक पावर लगाना है, जहाँ तक हो सके हम लोग वेटिंग के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग निराश ना हो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हम लोग मिल के कुछ ना कुछ उपाय कर ही लेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ गलत करने का सोच रहे हैं कि वेटिंग क्लियर नहीं होगी, बहुत हताश हो गए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपने गार्जियन को याद कीजिए, जो गार्जियन आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं दोस्तों। ज़िंदगी जीने के बहुत सारे उपाय हैं, क्या करेंगे लास्ट में, नहीं होगा तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मर जाएंगे, नहीं दोस्तों, कुछ करना नहीं है, बस वेटिंग का इंतजार करना है, वेटिंग क्लियर होगा। जहाँ तक हो सके हम लोगों को मिलकर एक लड़ाई लड़नी होगी, हम लोगों को मिलकर एक आवाज़ उठानी है, जहाँ तक हो सके हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास कर भी रहे हैं, जहाँ तक हो सके वेटिंग क्लियर होगी दोस्तों। इन्हीं सब बातों से मैं आपको फिर एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पटना प्रोटेस्ट में शामिल हों ताकि वो प्रोटेस्ट सफल हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैं अपडेट देते रहूँगा। जय हिंद।